बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमसे शुरू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि खाना हम बनाना सीखेंगे, घर संभालेंगे, घर का ध्यान रखेंगे, सब काम करेंगे। बचपन से हमें ट्रेन कर दिया जाता है और इन लोगों को नहीं किया जाता है, तो ये बात गलत है ना। अगर हमें घर में ये क्वालिटी नहीं मिल रही है तो हम जब बाहर की दुनिया को फेस करेंगे तो वहाँ हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा? इट हैज़ टू स्टार्ट एट होम। हम कपड़े पहने उसमें हमें टोका जाता है, हम बाहर कहीं जाएं उसमें हमें टोका जाता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब उनका मन करेगा, जिससे मन करेगा उससे शादी कर देंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये लोग भी इतनी इतनी सी बात समझने को रेडी नहीं है। ये लोग तो हमारी एज के हैं ना, इनको समझना चाहिए सर। पार्ले जी के बाद जो इज्जत कमाई है ना, वो सरकारी नौकरी ने कमाई है। आईफोन तो ओवर रेटेड है जी, एक किडनी मेरा चाहता है। सरकारी नौकरी यहाँ अटैक करता है। गली का हर दूसरा लोंडा अपनी जवानी झोंक रहा है, अपनी अपनी वजह है। किसी को इंतकाम पूरा करना है, किसी को इज्जत चाहिए, तो किसी को चाहिए रिंकी। और भाई साहब इतनी तैयारी ओलंपिक का करते ना, तो खुदा कसम डायमंड ले आते। डायमंड होता नहीं है, हमारी तैयारी देख के देते। और आज से नहीं, बचपन से पैदा हुए तो पिताजी बोले वाह सरकारी नौकर हुआ है। नर्स ने शगुन मांगा तो बोले लंच के बाद आना। हम बचपन में खिलौना मांगे तो हमको ल्यूसेंट पकड़ा दिए। दादी को कहानी सुनाने को बोले तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के किस्से सुना दिए। भाई साहब तीन दोस्त, तीनों गर्लफ्रेंड लिए घूमते थे, हम गर्लफ्रेंड नहीं बनाए। सोचते थे सरकारी नौकरी लग जाएगा तो तीनों में से ही एक का गर्लफ्रेंड हटाएंगे। तीनों घर बसा लिए और हमारा तैयारी चल रहा है। भाई साहब बेरोजगार लौंडे का उसके बाप का रिश्ता ना टोनी कक्कड़ और संगीत जैसा होता है, कंगना और लॉजिक जैसा होता है। कम से कभी कभी लगता है जिंदगी जिंदगी नहीं क्रिकेट हो गई है। हम गेंद फेंक रहे हैं, सरकार लप्पा घुमा रही है और पिताजी कह रहे हैं ठोको भाई ठोको भाई ठोको। भाई साहब बेरोजगार लौंडों के घर में ना सब्जी नहीं बनती है, तानों से रोटी खाते हैं। पर लगे हुए हैं, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हमको फीका चलेगा भाई, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको फीका, हमको सिर्फ फल चाहिए। पर करेंगे इंतकाम तो पूरा करेंगे। क्या कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे।